Hello everyone, this is Modern Guru all the way from city. So Hindi mein baat karunga, theek hai? To aaj main kafi dinon ke baad ek blog leke aa raha hu, jo mere ye blog mein aapko main dikhane ja raha hu. 1942 mein jo British dwara establish kiya hua ek monument. After 1942 jo सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे बना हुआ था, उस टाइम जो ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये मोनूमेंट एक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा विजन के तौर पे यूज़ किया गया. तो उस टाइम ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जो कैदी लोग यहाँ पे लेके एज अ प्रिजनर के तौर पे रखते थे. सो उससे पहले मैं वीडियो दिखाने जाऊँ आप लोगों को, मैं बोलना चाहूँगा मेरी तरफ से आप सभी लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप सभी लोग को मेरे तरफ से हैप्पी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे. तो जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो ये मॉन्यूमेंट इस्टेब्लिश किया था, जो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, तो उस टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी जो सोल्जर होते थे, जो एनिमी सोल्जर होते थे, जो बंधक बना के यहाँ पे रखते थे. सो इसके बाद लेटर ऑन जब इंडिया को आज़ादी मिला, जब इंडिया को आज़ादी मिला तो उसके बाद 1950 में
इस जगह को एक नेशनल क्रेडिट कॉर्प के जैसे कि एनसीसी के तौर एनसीसी के हेडक्वार्टर बनाने की निर्णय लेते हुए जो 1950 में जो इंडियन आर्मी द्वारा ये एक नेशनल क्रेडिट कॉर्प के तौर से यूज़ करने लगा, तो इसीलिए अभी फिलहाल आज के टाइम पे जो ये इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट बना है जो फर्स्ट दिल्ली गर्ल्स बटालियन एनसीसी इसके साथ साथ में इंडियन नेवी का भी है और इंडियन आर्मी। सो इसी तरह अभी जो हमने वीडियो में पहले ब्रिटिश के टाइम पे यहाँ पे जो प्रिजन को फांसी भी दिया जाता था, तो एक कपूर है ग्रेवयार्ड जिसमें 11 प्रिजनर्स को यहाँ पे हैंग किया था। सो मेरे वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कपूर। बहुत गर्मी है इसीलिए भेज भी खोल दिया। सो अभी ठीक लग रहा है हमको भी, थोड़ा हवा आ रहा है। एक्चुअली मैं सिक्किम से हूँ ना, तो हम लोग को इतनी गर्मी में बैठने का आदत नहीं है, तो इसीलिए बहुत गर्मी लग रहा था तो बेस्ट खोल दिया। वर्कशॉप नेवर माइंड। मेरी तरफ से आप सभी लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप सभी लोग को मेरे तरफ से हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे।